अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दी जाए और उसको कहें जी बैलेंस कर दो बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आप किस तरह इसको बैलेंस करोगे? याद रखिएगा, कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, तो आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही मेथड है। सही है, ये चंद एक रूल्स मैं लिखूंगा, इन रूल्स को आपने याद रख लेना है तो इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो सबसे पहली बात, आपने क्या करना होता है, ये चंद एक बातें लिख लो पहले, ये बातें आपने याद रखनी। सबसे पहली बात कि आपने केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है, राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो केमिकल इक्वेशन लेनी है ना वो ले लेनी। ये लिख ली मैंने केमिकल इक्वेशन जिसको आप बैलेंस करना चाहते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख लेना है। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑन द टॉप, ऑन द टॉप ऑफ एलिमेंट, टॉप ऑफ एलिमेंट। आपने एलिमेंट के टॉप के ऊपर क्या कर लेना, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना। ये हमारे पास आ गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद देखो, मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, ये रूल्स बड़े हुए उन रूल्स को याद रखिएगा। अगर आपको रूल्स याद है तो आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे गौर कीजिएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 फ्री स्टेट के अंदर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो हमारे पास आएगी +5, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, क्या होगी हमारे पास -2। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट के ऊपर लिख लिया है। सही, अगर किसी को नई तरीकाकार पता है कि किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना हो तो आप किस तरह मालूम करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो पता होता है, नाइट्रोजन का हमें यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का आप मालूम कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे देखो पूरे NO3 के ऊपर, पूरे NO3 के ऊपर बात कर रहा हूँ, पूरे NO3 के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन चार्ज होता है या -1 चार्ज होता है। यहाँ पे 2 NO3 जुड़े हुए हैं, सो यहाँ पे इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर वही जो हमने पहले कहा है, नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है और ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पे बात कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो, एक ऑक्सीजन का -2 है, NO2 का निकालना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहता हूँ। NO2 में मैं N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगी, उसको एक्सपोज कर लेता हूँ, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज होगा -0, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है इसे हम इसको -0 रखेंगे। ये हमारे पास x-4=0, x=+4, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन के ऊपर +4 आएगा, और यहाँ पे ये वाली चीज़ हमें पता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारे पास पहला स्टेप है कि आपने हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब आपके पास जो सेकंड स्टेप होता है ना, आपने यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट का चेंज हो रहा है। सही है, आइडेंटिफाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आपने उस एलिमेंट की पहचान करनी है वेयर, जहां पर वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज। अब यहां पे देखो कॉपर का, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पे आते थे क्या हो गया +2, तो यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जो मैं चेंज हो रहा है सिर्फ वही लिखूंगा आप यहां पे। नेक्स्ट स्टेप पे आपने उन एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है जिनका चेंज हो रहा है। चलो मैं यहां पे एक दफा सारा लिख लेता हूं, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, इसको क्यूप्रिक नाइट्रेट कहते हैं, NO2 +H2O, बाकी आपने वैसे के वैसे लिख देना है। देखो हमारे पास कॉपर का यहाँ से 0 है, यहाँ पे जाते जाते क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, इसका एक चेंज हुआ है। एक और चेंज देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का है +5, यहाँ पे जाते जाते क्या हो गया, चेक कर लो +4, यहाँ +4 है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यानी कि जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है मैंने सिर्फ वही एलिमेंट लिखे है। अगर थोड़ा सा एक और भी चीज़ चेक करोगे ना,
तो यहाँ पे एक चीज़ एडिशन कर लीजिएगा, वो ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्लस फाइव वाला है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्लस फोर वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही HNO3 दो में नहीं चेंज हो सकता, इसलिए आपको HNO3 इस साइड पे दो लिखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? दो लिखने पड़ेंगे, सही है। सो यहाँ मैं एक HNO3 और लिख देता हूँ, HNO3। अब ये वाला HNO3 तो इसमें जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला HNO3 जो NO3 है ये आपका इसमें चेंज हो रहा है, सही। इसलिए मैंने दो लिखने, सिर्फ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों को ऐड करके मैं दो प्लस यानी कि टू भी लिख सकता हूँ, लेकिन टू नहीं लिखना, दोनों को लहदा लहदा लिखना है। अब ये वाला काम कर लिया है, अब आपने इन सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दो, विद ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज एंड ज्वाइन, और इसको आपने मिला देना है बाय एन एरो, बाय एन एरो, इसको एरो के साथ मिला देना, जरा गौर करना। यहां पे हमारे पास जो जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको एरो के साथ मिलाओ। अब खुद सोचिएगा कि कोई भी चीज जीरो चार्ज से प्लस टू चार्ज कब आता है, जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो प्लस चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए कॉपर ने? दो। यहां पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? टू इलेक्ट्रॉन। चलो ये पूरा लिख देते हैं, लूज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन हुआ है यहां पे, यानी कॉपर जीरो से प्लस टू में गया है, प्लस टू में जाने का मतलब यह है कि उसने दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाले जिसकी वजह से प्लस चार्ज आ गया। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? प्लस फाइव, और यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस फोर, प्लस फाइव से प्लस फोर पे ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है। चेक करो, अब प्लस फाइव के अंदर मैं क्या चीज ऐड करूं कि प्लस फोर हो जाए? माइनस वन। क्या ऐड करूं? माइनस वन। माइनस वन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो इसके ऊपर चार्ज प्लस फोर हो जाएगा, सही है। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है? जरा गौर कर लो, प्लस फोर से प्लस फोर पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आपने उन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सही है। अब आपने उनको लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं, तो वो आपने इलेक्ट्रॉन लिख लेने। और इस जो मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसकी बेसिस अगर देखी जाए तो यही है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बेसिस लिख देता हूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं रिड्यूसिंग एजेंट ने, लूज बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट लूज कर रहा है, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये चीज़ हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। यानी कि सिंपल बात कहूँ तो अगर कोई भी चीज़ जितना इलेक्ट्रॉन लूज करती है और कोई चीज़ कितना इलेक्ट्रॉन लेती है, ये दोनों बराबर होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आगे से दो इलेक्ट्रॉन लेगा भी। अब यहाँ पे गौर करो, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहता आपने इन दोनों को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर आ जाए। अब देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, अगर मैं इसको दो के साथ मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, यानी कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर करनी है। तो इसका ये काम करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी डिजिट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, नाउ मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट, सूटेबल डिजिट आपने सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है टू इक्वेट, बराबर करने के लिए, टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज वाले एंड गेन वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। लो ये हमारे पास, हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है।
यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, नेक्स्ट स्टेप करवाने लगा हूँ, ये अभी मैं थोड़ा सा लेंथी लेके जा रहा हूँ ताकि बातें समझ में आ जाएं। बाद में आप एक दफ़ा अगर इसको समझ जाते हैं तो आप देख के ही इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। यह हमारे पास बन जाएगा कॉपर क्यूपिक नाइट्रेट साथ में NO2 प्लस H2O। सही है, आपने इसको स्टेज के साथ मिलाया हुआ, इसका चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिख दो प्लस 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का प्लस 4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का प्लस 5 है। आपने इस चीज़ को इस चीज़ के साथ मिलाया हुआ है, मतलब क्या किया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन को आप मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुकम्मल हो जाएंगे। सही है, यहाँ पे आपने इसको इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इसके साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, देखो हमारे पास क्या हो रहा था, लूज हो रहा था, एडिशन हो रही थी, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, ये हमारे पास इक्वल टू 2 वाले, यानी मैं दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर कर दी है। क्या कर दिया, दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर कर दिया है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपने जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया ना, ये वाला डिजिट, इन दो डिजिट को, इस डिजिट को इसके साथ लिख देना है, इस डिजिट को इसके साथ लिखना है, यानी जिस डिजिट के साथ आप दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर करने के लिए जिस डिजिट के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसी डिजिट को उसके साथ लिख देना होता है, इस डिजिट को मैं इसके साथ लिख लूंगा। सही है, चलो नाउ प्लेस द डिजिट, प्लेस द डिजिट, आपने डिजिट को प्लेस कर देना है विद कंपाउंड एंड रिमेनिंग इक्वेशन, और बाकी जो इक्वेशन बचेंगे ना उसको आपने बैलेंस कर लेना है। रिमेनिंग इक्वेशन इज इक्वेट, इज इक्वेट बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड होता है जी, आप थोड़ा सा देख लो इस साइड में कितने आइटम है, इस साइड में कितने आइटम है, थोड़ा तुक्के वाला मेथड है कि आपने एटम कैलकुलेट करके सारे के सारे इक्वेशन को बैलेंस कर देना। चलो जी मैं नेक्स्ट स्टेप करने लगा हूँ, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ मैंने कहा जिस डिजिट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना उसको इस साइड पे भी लिख देना है, इस साइड पे भी लिख देना, यानी कि उतने आइटम हमारे पास कॉपर के होने चाहिए, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। सो यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, ये तो चीज़ सेम रहेगी, ये तो चीज़ हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके बाद मैं इस HNO3 के साथ कितना लिखूंगा, इस HNO3 के साथ 2 लिखूंगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 HNO3, साथ में वैसे ही एक HNO3 लगा हुआ है, और ये चीज़ चेंज हो रही है क्यूप्रिक नाइट्रेट में, इसके साथ 1 ही लगा क्योंकि यहाँ पे कॉपर एक है, सो क्यूप्रिक नाइट्रेट वैसे का वैसा। और यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, इसके साथ 2 लगाए, 2 नाइट्रोजन इस साइड में, तो इस साइड पर भी हमारे पास 2 नाइट्रोजन होने चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 के साथ 2NO2 लगा दूंगा, यहाँ पे 2NO2, मतलब आपने उसी डिजिट को जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे इस साइड पे भी नाइट्रोजन के एटम की तादाद बराबर करनी होती है, इस साइड पे भी नाइट्रोजन एटम की तादाद बराबर करनी है, बाकी हमारे पास वाटर बन रहा है, बाकी बन रहा है H2O। बाकी आपने क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड के जरिए से इसको इक्वेट करना, जरा गौर कीजिएगा, कॉपर एक है, ये वाले 2HNO3 इतने ही रहेंगे, बाकी देख लो कितने हमें यहाँ पे HNO3 लगाने, यानी कि अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खुद अपनी तरफ से नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे, इस साइड पे कितने हैं और उस साइड पे कितने हैं, उस चीज़ के लिहाज से हम यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं, अब यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट हैं 2 ये नाइट्रेट, एक 2 नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन, ये कितने टोटल नाइट्रोजन हो गए, 4। सो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन ये, 2 नाइट्रोजन ये, 4 नाइट्रोजन हो गए, कितने हो गए हमारे पास, 4 नाइट्रोजन इस साइड पे, 4 नाइट्रोजन इस साइड पे। इसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन की देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड पे देखो 3, 2 बार 6, 7, 8, 9, 10, 10 ऑक्सीजन इस साइड पे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देख लो 3, 2 बार 6, 3, 2 बार 6, 12 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर लगेंगे वाटर के साथ। हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन है, 2H2O, 4 हाइड्रोजन आपके मुकम्मल हो गए। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्यूमुलेट करके लिखने लगा हूँ, 2HNO3, 4HNO3,
3। और साथ में हम क्या करने लगे, क्यूपरिक नाइट्रेट। अब इक्वेशन में आप बेशक सारे के सारे एटम कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे बराबर मिलेंगे और 2H2O है। सही, ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पर चेक कर लो हमारे पास क्या चीज़ें बराबर हैं। कॉपर एक है, कॉपर एक है, नाइट्रोजन चार है, दो नाइट्रोजन ये, दो नाइट्रोजन ये, चार नाइट्रोजन हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन देख लो, चार दिन बाद 12 ऑक्सीजन है, तीन ये दो दफ़ा आए हैं, तीन छः ये, चार ये, दस, दस और दो 12 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन चेक करो, चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन, मतलब हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये तरीका कार है जी इस इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल कर लेते, ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी हुई हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक आधे एग्जांपल की। अब डायरेक्ट मैं करूँगा, सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या करना, इक्वेशन को लिख लो। चलो इक्वेशन लिखने लगाऊँ, ऊपर वाले में इक्वेशन लिखने लगाऊँ, ऊपर वाली इक्वेशन ZN प्लस HNO3, ये चीज़ चेंज हो रही है जिंक नाइट्रेट में, और साथ में NO प्लस H2O। सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो हर एक एलिमेंट का। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने लगाऊँ, जिंक का होता है फ्री स्टेट में 0 प्लस 1, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का मैंने मालूम किया था, यहाँ पे अगर आप निकालोगे भी तो आपको प्लस 5 मिलेगा। ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक का फिर हमारे पास यहाँ पे, यहाँ देखो दो नाइट्रेट, एक नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे जिंक के ऊपर +2 चार्ज, यहाँ पे +5 -2 ऑक्सीजन का, ये वाला हम +5 और -2 लिख रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और यहाँ पे हमारे पास +2 नाइट्रोजन के ऊपर होगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 वाटर के केस में होता है। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब आपने नीचे वाली इक्वेशन के अंदर इस तरह लिखना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं सिर्फ उसी को मैंशन करना, बाकी सारे स्किप कर देने। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ZN मैं दोबारा फिर पूरी पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि चीज़ समझ आ जाए। मेन चीज़ होती है इसको समझना, आपको कोई भी इक्वेशन दे दे आपको पता हो कि मैंने इस तरह इसको बैलेंस करना है। ज़रा गौर कीजिएगा, चेंज हो रहा है वो जिंक हो रहा है। जिंक किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ चेंज हो रही है वो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है, यहाँ पे देख लो +2 हो रहा है। बस ये दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, सही है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, आपके एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब एक ही मॉलिक्यूल से आप +2 +5 नहीं बना सकते। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है +5 भी है, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे एक HNO3 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खुद लिखना है ताकि हम इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकें कि HNO3 ये वाली चीज़ हमारे पास इस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, इस चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ तो ज़रा गौर करो, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ पर जा रही है, ज़रा गौर करो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किया। देखो +2 से +3 पर जा, +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 से आपने बराबर करनी है +2 के ऊपर। अब यहाँ पर मैं कौन सा डिजिट लिखूँ कि ये +2 हो जाए, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर अगर -3 लिखता हूँ ना तो +2 हो जाएगी। अब -3 का मतलब क्या है, तीन नेगेटिव चार्ज ऐड करने हैं। तीन नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करो, यहाँ पे गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गए। अब इसके बाद हमारे पास क्या करना होता है, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब आपने इन दोनों को देखो, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है जी, आपने इन दोनों को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि दोनों इक्वेट कर जाए। चेक करो, हमने यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है कि नाउ मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या फिर जो गेन किए हुए, यहाँ पे और यहाँ पे कौन से डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर करना चाहते। देखो इसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट क्या होता है जी, जो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही डिजिट आपको इक्वेशन के साथ लिखना पड़ता है। मतलब मैंने यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ मुझे 3 जिंक लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पे मुझे जिंक के साथ क्या लिखना पड़ेगा, 3, ऐसा ही है ना।
अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एच एन ओ थ्री के साथ कितने हमारे पास हैं, दो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे टू लिखना पड़ेगा। एक नाइट्रोजन के साथ टू लिख लिया, यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन बन रहे हैं, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू। बाकी क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड यूज करना है, बाकी इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। जरा गौर कीजिए हमारे पास क्या बन गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक दफा दोबारा फिर लिख लेता हूँ, एच एन ओ थ्री प्लस थ्री जेड एन टू एच एन ओ थ्री, चेंज हो रही है हमारे पास ये वाली चीज़, तीन जिंक नाइट्रेट एन ओ थ्री ट्वाइस प्लस टू एन ओ प्लस एच टू ओ। इक्वेशन को आप बैलेंस करने लगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना, इस साइड पर देखो नाइट्रोजन कितने हैं, तीन, देखो ये दो नाइट्रोजन है, एन ओ थ्री ट्वाइस है, दो नाइट्रोजन मल्टीप्लाई करेंगे तीन के साथ, छह नाइट्रोजन ये हो गए, दो नाइट्रोजन ये हो गए, आठ नाइट्रोजन है। इस साइड में जरा गौर करोगे तो दो नाइट्रोजन ये है, एक ये, तीन, मुझे यहां पे आठ करने, आठ किस तरह हो सकता है अगर मैं यहां पे छह लगाता हूं, यहां पे छह लगाऊं तो ये हमारे पास आठ नाइट्रोजन हो जाएंगे, सही है। नाइट्रोजन मैंने बैलेंस कर लिया, अब इसके बाद मैं यहां पे ना ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने लगाऊं, सही है। ऑक्सीजन चेक कर लो, यहां पे छह तीन बार अठारह जमा छह अठारह उन्नीस बीस चौबीस, चौबीस ऑक्सीजन है, तो यहां पे मैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने लगाऊं, यहां पे देखो तीन दो बार छः, छः तीन बार अठारह उन्नीस बीस, बीस दो ऑक्सीजन की कमी है, बीस चौबीस सॉरी चौबीस करने हैं, चार ऑक्सीजन की कमी है, मैं यहाँ पे चार वाटर के साथ लिखूंगा। हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे छः हाइड्रोजन ये दो ये आठ हाइड्रोजन है, चार वाटर के मॉलिक्यूल है, आठ हाइड्रोजन मुकम्मल हो गए, सो ये हमारे पास कंप्लीट बैलेंसिंग हो गई है। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो, थ्री जेड एन प्लस एट एच एन ओ थ्री, जब आपस में मिलते हैं तो ये बना रहे होते हैं तीन जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट साथ में टू एन ओ, टू एन ओ प्लस फोर एच टू ओ, ये वाली चीज़ हमारे पास बन रही होती है। ये था जी हमारे पास हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि कोई भी चीज़ जितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है दूसरी चीज़ उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इसे हम यहाँ पे किसी ना किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास तरीकाकार है, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाता है, पास्ट पेपर में इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी देखा जा चुका है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।